हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमएस सोडा और मैं हूं महेंद्र सिंह सोडा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैग के वर्कआउट के बारे में। फुल वर्कआउट आपको रूटीन जो बैग का होता है वो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल एमएस सोडा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। और पास में एक बेल का आइकन है, इसे भी दबाइए जिससे आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो नीचे आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, महेंद्र सिंह सोडा ऑफिशियल करके मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, जहां पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूं। और आज मैं आप लोगों को जो वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं वो एक बेसिक वर्कआउट रूटीन है। उसको इंटरमीडिएट अगर आप है, अगर बिगिनर है, अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया जिम जाते हुए, तो आप ये वर्कआउट रूटीन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ढंग से सही ढंग से अगर इस वर्कआउट रूटीन को अगर आप करोगे तो आप भी वी शेप बैग पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइजें बता रहा हूँ, ये कंप्लीट वर्कआउट रूटीन है, इसको भी आप लगा सकते हो। अगर सही तरीके से इसे आप फॉलो करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। इसमें सबसे पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है पुलअप्स। सबसे पहले हम एक्सरसाइज पुलअप लगाएंगे, इसे 3 सेट लगाएंगे इस एक्सरसाइज के। आप 12, 10, 8 के या 12, 12 के या 10, 10 के 3 सेट्स लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज के। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पहला तो ये था कि मैंने कल जो वीडियो बनाया था बैग के बारे में, जो लैट पुल डाउन मशीन के ऊपर लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो वहाँ पर किसी का कमेंट आया था कि सर हमें फुल वर्कआउट रूटीन बताइए, तो इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सबसे पहली हमारी एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन। तरीके से आपको लगानी है, पूरा ऊपर जाना है एंड डाउन। स्लो लगाए, नंबर 2 पर जो हमारी एक्सरसाइज है वो है लैट पुल डाउन मशीन। इसके 3 सेट्स लगाने हैं 12, 10, 8 के। ऊपर जाए तब स्लो लेके जाए ऐसे, ज़्यादा अपनी बॉडी को पीछे ना ले जाए और यहाँ तक ही लेके आए। स्क्वीज कीजिए अपनी लैट मसल्स को। अब हमारी नंबर 3 जो एक्सरसाइज है वो है सिटेड रो। नंबर 3 पर हमारी एक्सरसाइज है जो वो है सिटेड रो। इसमें आप ध्यान रखें, सिटेड रो में आप पूरे ऐसे आगे ना जाएं, यानी बैक को यहाँ स्ट्रेट रखें, इस तरीके से लगाएं। इसके भी 3 सेट लगाने हैं 12, 10, 8 के। अब जो हमारी एक्सरसाइज है नंबर 4 पर है वो है टी बार।
सभी एक्सरसाइजों के आपको 3 सेट्स लगाने हैं, इसके भी 3 सेट लगाने हैं 12, 10, 8 के। इस तरीके से रहना आपको। नंबर 5 पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो है रोप। रोप के साथ में आपको लगानी है। इस तरीके से आपको बैग को स्ट्रेट रखनी है। स्लो लेके जाना ऊपर। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी वो होगी डंबल रो। मैं आपको बैग स्ट्रेट रखनी है इस तरीके से। इसके भी 3 सेट्स लगाने 12, 10, 8 के। हर सेट में वेट इंक्रीज करें हर एक एक्सरसाइज में। अगर आप भी करेंगे इन एक्सरसाइजों को सही तरीके से तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं, एक वीक भी ढंग से फॉलो नहीं करते, उसके बाद में चेंज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीक चेंज करते हैं। उन्हें लगता है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से या ज़्यादा जो है अलग अलग वेरिएशन लगाने से हमारी बॉडी जो है डेवलप होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज रूटीन है उसे आप कम से कम 12 वीक तक फॉलो ज़रूर करें, 12 वीक तक, 4 वीक या 8 वीक, 6 वीक मिनिमम आप ज़रूर उसे फॉलो करें, उसके बाद में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। आप सोचते हैं एकदम आपने फर्स्ट वीक लगाया या दूसरी वीक में आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा ना सोचें। और आप बार बार किसी न किसी की कहीं ना कहीं देखते हैं, जिम के अंदर मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं, किसी को अगर उसका एक ट्रैक है, आप एक वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हो, जैसे ये फॉलो कर रहे हो, उसके बाद में आप किसी और को जिम के अंदर देखते हो कि ये वाली एक्सरसाइज लगा रहा, क्यों ना मैं ये लगा लूँ, ऐसा करके आप अपनी जो रूटीन है उसको ख़राब करते हैं। आप अपना जो मेन फोकस है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, आप ध्यान से अपनी जो एक्सरसाइज रूटीन है उसके ऊपर ही ध्यान दें। मुझे ये लगता है आप अगर ऐसा करेंगे तो सही रहेगा। और अपना टाइम जिम के अंदर ज़्यादा ख़राब ना करें, बातें ना करें, मोबाइल ना चलाएं, और अपनी जो नींद है वो ज़रूर पूरी करें। 8 घंटे मिनिमम आप ज़रूर नींद लें, उसके बाद में अपनी डाइट के ऊपर भी ध्यान रखें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए, और Instagram के ऊपर भी फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं अपनी डेली अपडेट डालता रहता हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।